दोस्तों जेवीसी ब्रांड ने 6 नई टीवियां लॉन्च की है। जो 6 नई टीवियां है स्मार्ट टीवी, उसमें आपको फुल एचडी टीवी भी मिल जाएगा और 4K टीवी भी देखने मिल जाएगा। तो क्या है इस टीवी की स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइसिंग और क्या ये मार्केट में बीट कर पाएगा बाकी सब ब्रांड को, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मार्ट टीवी के डिटेल्स की मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा जेवीसी ब्रांड के बारे में। तो जेवीसी एक जापानीज ब्रांड है और ये अपने कार प्रोडक्ट्स के लिए काफी पॉपुलर है और इसी के साथ साथ उसके ईयरफोन्स भी आते हैं मार्केट में, आपने देखा ही होगा। सो इसने इंडिया मार्केट को खाने के लिए, मतलब उसमें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने वीरा ग्रुप के साथ टाइप किया। तो वीरा ग्रुप बेसिकली, उनका ऑफिस है नोएडा में और वीरा ग्रुप साल में 1 मिलियन यूनिट सेल आउट करते हैं और उनका एक दूसरा ऑफिस भी नोएडा में सेटअप होने वाला है जिसमें वो कमिटमेंट देके 5 मिलियन यूनिट्स वो सेल करने वाले स्मार्ट टीवीज के। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी 6 टीवी नई लॉन्च की है, जो है एक 40 इंच की, 43 इंच की, 49 और 55 ये टीवीज है। बात कर लेगा इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की, तो इस टीवी में आपको मल्टीपल यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, 20 वॉट का स्पीकर मिल जाता है और जो इसकी 55 इंच वाली टीवी है उसमें आपको 50 वॉट का स्पीकर देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको सभी टीवियों में आपको 3.5 mm का जैक भी देखने मिलेगा। तो इन टीवी में आपको 1.5 GHz का ARM कॉर्टेक्स प्रोसेसर देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको इस टीवी में कंटेंट प्रोवाइडर्स में आपको यूट्यूब, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, Netflix सारे के सारे आपको प्री इंस्टॉल आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करो तो इस टीवी में आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको एक इथरनेट पोर्ट भी मिलता है जिसके थ्रू आप लैन भी कनेक्ट कर सकते हो इस टीवी में। और इस टीवी की प्राइसिंग की बात करो तो इसका स्टार्टिंग प्राइस 17,000 से है, 17,000 से इसका स्टार्टिंग है। उसमें आपको फुल एचडी टीवी भी मिल सकती है और 4K भी टीवी मिल सकती है। तो 4K टीवी का प्राइस अभी तक डिसाइडेड नहीं है, अभी तक हमको कोई भी अपडेट जेवीसी की तरफ से नहीं आई है। और ये टीवी 6 अप्रैल से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगी और वहां से आप परचेज भी कर सकते हो 6 तारीख से। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है टीवी में, उसका डिस्प्ले। तो इस टीवी में जो डिस्प्ले यूज किया हुआ है, क्वांटम बैकलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। क्वांटम बैकलाइट टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूज करती है क्वांटम डॉट्स एंड नैनो क्रिस्टल्स और इसको यूज करके प्योर RGB कलर प्रोड्यूस करती है ये टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आपका जो वेविंग एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा होता है, कलर आपको एकदम रिच देखने मिल जाएंगे इस टीवी में। सो इस टीवी का मेजर हाईलाइट होगा इसका डिस्प्ले। इसी के साथ साथ इस टीवी में आपको मीराकास्ट का सपोर्ट मिलता है और 1 मिलियन आर्स का, मतलब 10 लाख घंटे का कंटेंट आपको इस टीवी में देखने मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस टीवी का, या बोलते तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस टीवी का। दोस्तों अगर मैं इस टीवी को कंपेयर करूं थॉमसन की 4K टीवी जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, आप यहाँ पे लिंक आ जाएगा, देख सकते हो उस टीवी के बारे में फुल डिटेल में। तो उसकी प्राइस थी कुछ 21,000 रुपए में 4K टीवी मिल रही थी। अब जेवीसी की प्राइसिंग देखते हो कि 4K टीवी कितने में लॉन्च करता है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस 17,000 से बता दी है, लेकिन 4K टीवी का क्या प्राइस होगा, 18,000 होगा, 19,000, 20,000, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है कहीं पर भी और ना ही हमें कोई भी अपडेट आई है जेवीसी की टीम से। और दोस्तों यही थी सारी टीवी जेवीसी की तरफ से जो 40 इंच की थी, 43 इंच की, 49 और 55 इंच की। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी डिटेल्स पसंद आएगी। तो आप क्या प्लान कर रहे हो, कौन सी टीवी लेने का, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई सवाल या कोई भी सुझाव रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई इमीडिएटली दे दूंगा। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो लोग नए हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन करो, हमारी चैनल को ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करो और आपको उसके लिए 1 भी रुपए नहीं देने। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग and keep watching Happy Guide.